नमस्कार, काउंसिलर वार्ड नंबर 1 पीबीएमसी चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। आज यहां पर जो है क्रिकेट मैच पोंगल 24 के शुभ अवसर पर वार्ड नंबर 1 की ओर से लालता सिंह ग्राउंड में हेडो काउंसलर वार्ड नंबर 1 की ओर से और साहुल सपोर्टर की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया है। इस क्रिकेट प्रोग्राम को देख के और इसका मज़ा लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। थैंक यू। तो वो अपना बैट्समैन यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन कर दी तो नौ ओवर के समाप्त कर 81 रन। नौ ओवर के बाद आखिरी ओवर पहला इनिंग के आखिरी ओवर
नमस्कार। आज हमारे पोंगल 24 जो अनेक स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ में से जो है शुरू हो चुका है, तो आज हमारे जो पोंगल 24 के लिए हेड ऑफ वार्ड नंबर वन में जो है हम क्रिकेट टूर्नामेंट का जो ऑर्गेनाइज आज किया है, आज तिरुवल्लुवर नरपट्टी मंडल TNM और ब्लैक वॉरियर्स के बीच में मतलब मैच शुरू हुआ है। और हमारे इस मैच में आज हमारे साथ हमारे अतिथिगण बनकर उदय कुमार प्रेसिडेंट युवा मोर्चा और अकेश जी HRS हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रेसिडेंट और वार्ड नंबर दो के काउंसलर और बाकी भी मतलब जो हमारे जो भाई लोग साथी लोग सब आए हैं इस मैच को मतलब जो है रंग लगाने के लिए, जो मतलब दो चांद लगाने के लिए। तो मैं हमारे राकेश भाई से रिक्वेस्ट करूँगी दो शब्द कहें। नमस्कार। ये बहुत खुशी का अवसर है, जैसा वार्ड नंबर एक में शाहुल जी द्वारा जो कि यहाँ के वार्ड काउंसलर है, ये क्रिकेट नॉकआउट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। ये हमें अक्सर देखने को आई है कि जैसा भी हमारा समय चल रहा है कि जो हमारे यंग जनरेशन है ये मैक्सिमम जो है बाइक राइडिंग स्पीडिंग आपका ड्रग्स की तरफ इनका मूवमेंट रहता है, खेल की तरफ इनको समय ही नहीं मिलता है। तो बच्चे लोग को ये चीज़ में यूथ को एंगेज करने के लिए जैसा कि साहुल जी द्वारा ये क्रिकेट का आयोजन किया है मैच का, और इसमें ताकि बच्चे लोग जो भी अपना खाली समय में जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके, अपने आप को बिजी रख सके, अपने आप को टोटली व्यस्त रख सके। और इसके चलते जिससे इससे पहले भी साहुल जी यहाँ पे कई कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं, इवन हमारा सोमेश्वर राव भाई जी जो वार्ड नंबर दो के काउंसलर हैं, इन्होंने भी यहाँ पे कई प्रोग्राम आयोजित किया है जिसका मैं विटनेस हूँ। तो ये यूथ्स को काफ़ी यूथ्स लोग को प्रमोट कर रहे हैं अपने वार्ड के, और ये बहुत ही अच्छा साइन है जो आने वाले समय के लिए कि हमारे यूथ जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि आगे भी हमारे सोमेश्वर राव भाई और साहुल भाई ऐसे यूथ्स को बढ़ावा देते रहे और हर एक खेल में यहाँ पे उनको जो है सपोर्ट करें और वो इसमें पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। थैंक यू राकेश भाई, HRS हिंदी राष्ट्रीय शक्ति के प्रेसिडेंट है। अब मैं हमारे जो युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट उदय कुमार जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि दो शब्द कहें। नमस्कार। हमारे प्रिय मित्र वार्ड नंबर वन के काउंसलर साहुल भाई और वार्ड नंबर टू के सोमेश भाई और हमारे राकेश भाई, अभी सभी उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज बहुत अच्छा लगा क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने पूरा सारा कार्यक्रम पोंगल का खुशी का त्यौहार को हम लोग देखा सागुल जी के साथ में, बहुत सारे खेल के एक्टिविटीज़ तो क्रिकेट टूर्नामेंट, वॉलीबॉल और म्यूजिकल चेयर और चेस, इस तरह करके एक्टिविटीज़ पूरा किए थे लास्ट ईयर। और बड़ा पोंगल का दिन भी बड़ा माहौल था उस दिन, पूरा बड़ा कार्यक्रम किया था उसमें, काफ़ी सारे लोगों को सारे काउंसलर्स चेयरमैन सभी इन्वॉल्व होके उधर देखे थे, बहुत अच्छा एक माहौल था। उसी तरह ये साल में भी अभी से पोंगल का खेल शुरू हो गया है, अभी आज हमें क्रिकेट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और भी कई सारे प्रोग्राम है करके बोलते थे, ये साल भी गया साल की तरह और उससे बहुत अच्छा होना। मैं साहुल जी को धन्यवाद देता हूँ और जो मैसेज है युवाओं का जो नशा से मुक्ति होकर खेल कूद में ध्यान देने से अपना शरीर बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए सभी खेल में इंटरेस्ट ले लीजिए, शरीर को अच्छे से रखिए, इतना ही कहना था। धन्यवाद। थैंक यू उदय जी। अब मैं काउंसलर वार्ड नंबर दो के मिस्टर सोमेश भाई से रिक्वेस्ट करेंगे दो शब्द कहें। नमस्कार। आज यहाँ उपस्थित साहुल भाई और उदय भाई, राकेश भाई और भाभी सबको मेरा नमस्कार, और सारे प्लेयर्स जो बच्चे खेलने आए हैं यूथ, इन सबको साहुल भाई हमेशा इंकरेज करते हैं हर साल। जैसे कि आप देखते हैं कि हर साल जो पोंगल का सेलिब्रेशन होता है, साहुल भाई आज से नहीं, बहुत पहले से कर, जीतने से पहले से ही करते हैं, जीत गया करके वो छोड़े नहीं, आज भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा बात है और बहुत अच्छा साइन है उन बच्चों के लिए, उनका फ्यूचर के लिए जो स्पोर्ट्स करा रहे हैं। इसी तरह हम लोग भी छोटा मोटा करते हैं, इतना बड़ा तो हम नहीं कर पाते, बट साहुल भाई हमेशा थोड़ा बड़ा ही करते हैं, तो हम लोग को इन्वाइट भी करते, अच्छा भी लगता है। और हमारे बच्चे सब नशा से थोड़ा दूर जाके खेल में जाना करके हमारा भी प्रार्थना है सबसे, क्योंकि छोटा छोटा लड़का लोग, छोटा छोटा बच्चा लोग बहुत नशा की तरफ जा रहे हैं, और आप इसी तरह खेल करवाते रहिए सब, ताकि थोड़ा नशा से दूर रहे,
और याद रखने वाली चीज़ यही है कि साहुल भाई आज भी भुला नहीं है पुराना दिन, वो अभी भी याद रख के उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। थैंक यू सुमेश भाई। अब हमारे बच्चे जो है यहाँ पर मैदान में खेलने के लिए तैयार है, तो उनका मैच मतलब जो शुरुआत करते हैं और मैच को देखते हैं और आगे भी मतलब जो और भी मतलब जो टोटल आई थिंक 12 टीम मतलब जो उसमें वार्ड नंबर उनके 12 टीम पार्टिसिपेट किया है, तो देखते हैं तो कोई ना कोई एक टीम तो जरूर विनर होगा, रनर होगा। बाकी जो लोग यहाँ पे खेलते हैं आप लोग अभी ये मत सोचें, हम तो इस तरह का मतलब जो मैच मतलब हैं इसके बाद भी मतलब जो मैच यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, बहुत ही जल्द मतलब जो है हम लोग और भी मतलब बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, सब कुछ करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर एक बार सोमेश भाई, उदय जी और हमारे राकेश भाई और हमजा भाई जो हमारे कॉलेज भी है हमारे वार्ड नंबर वन के हैं, उनको भी मतलब धन्यवाद। और भाई रमेश और बाकी जितने भी शिवा है, बाकी जितने भी मतलब जो बच्चे हैं चिरंजीवी है, सबको मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब आया, आगे भी मतलब सारा गेम हम लोग बढ़िया से करते रहेंगे। 7 तारीख को भी यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए बहुत बड़ा बड़ा टूर्नामेंट मतलब पूरा स्पोर्ट्स का पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 7 तारीख को जरूर आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। और 15 तारीख को जो है हमारे एडो एसोसिएशन मतलब वार्ड नंबर वन के सामने पोंगल का प्रोग्राम, पोंगल का पूजा भी है और वहाँ पे मतलब महिलाओं के पूरा प्रोग्राम है, सारे सीजन में आप लोग आइए पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। डेंजर बॉल, यहां पर नो बॉल, 150 के किलोमीटर के रफ्तार से निकाला गेंद, बल्लेबाज समझ नहीं पाए, डेंजरस बॉल थी, नो बॉल। इस बार अच्छी कवर पे किया शॉट के लिए, जितनी रफ्तार से बल्लेबाज उतनी रफ्तार से गुजरे जाते हुए।